दिस वीडियो इज जस्ट अ जोक सो डोंट टेक इट सीरियस। तो गाइस मैं ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था यलगार के ऊपर, तो मुझे एक वीडियो मिली, तो मैंने बोला भाई अपना तड़का तो भाई लगाना पड़ना है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की ब्रांड न्यू वीडियो। और भाई कैरी के वीडियो डिलीट करवा के मजा आ गया है, क्योंकि कैरी के चौधे मेरे पिछले वीडियो में ऐसा धम धम धमाका रिपोर्टिंग किया ना भाई, मेरा वीडियो डिलीट होते बस बच गया। तो मैं अभी प्राइवेट किया हूँ, ये वीडियो डलने के बाद ही वो आएगा, ठीक है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब भाई। तू पक्का कर ले, तू कहना क्या चाह रहा है? अभी तो कह रहा था कि रिपोर्ट कर, रिपोर्ट रिपोर्ट करा करा के वीडियो डिलीट हो गई है, और अभी तो कह रहा कि मेरे वीडियो प्राइवेट कर ली। तो पक्का कर ले, तो क्या कह रहा है? देखो, नारियल पे जब आप चश्मा लगाओगे ना, उसको डिसॉल्व इफेक्ट दोगे, तो वो बनता है कैरी मी नाठी। इसकी शक्ल को ग्रीन इफेक्ट दो तो बनता है, मुझे कहीं से गाना मिला नहीं, तो मैं खुद ही डाल रहा हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक जादू। कैरी फेमस कैसे हुआ? कैरी फेमस तब हुआ जब इन्होंने भुवन बाम को रोस्ट किया। अब चूतियो तुम लोग ये मत बोलने लगना तू कैरी मी नाठी को रोस्ट करके तू अगला कैरी बनने वाला। नहीं भाई, किसने बोला कि ये अगला कैरी बनना चाह रहा है? उसको मेरे सामने लगा और अगर उसकी धुलाई करके ना भेजा तो फिर नाम मेरा ये ना रखना अब्दुल रिबॉन स्पाइडर। और इस जैसे ही लोग होते हैं जो एक गटर से निकल के दूसरे गटर से निकल के थे, ओहो माँ लेवल पार हो गया, अब मैं मोबाइल पे नहीं खेलूंगा, मैं गटरों में लेवल पार करके वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। हाँ ये जो जॉ लाइन के नाम पे मजाक चल रहा है ना, मतलब क्या ये बचपन में ईट खाए हैं तूने या फिर पिटाई हुई है बहुत गंदी? जब कैरी रोस्ट करे तो हुल्ला ला हुल्लारा, और मैं तो हुल्ला ला हुल्लारा। और इस जैसे लोग होते हैं जो अपना फोन दफना रहे होते हैं, आज लोग आके पूछते हैं अपना फोन क्यों दफना रहे हो, तो कहते हैं ओहो हो किसी ने बोला है कि मेरा फोन डेड है तो मामा मुझे नया लेके देंगी। मिनाटी के चैनल से आप बैन अली हटा के बस देखो, उसके बाद आपको उसके चैनल में उसका कॉमेडी उतना ही अच्छा लगेगा जितना थानोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के। तेरे भी अगर इमोशंस हटा देना तो तू भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना विजन बिस्तर के ऊपर लग रहा था इन्फिनिटी वॉर में। अच्छा अभी तक मैं काफी सैड था कि वीडियो हट चुकी है। कैरी बैक के टोटल तीन चैनल है, पहला चैनल का नाम है कैरी इज लाइव, दूसरे का कैरी मिनाटी, तीसरे का तन्मय भट्ट। मोटापा? हाँ यही मोटा। बात कर मेरे को जानता नहीं है। आपको तूने देखा एक तीली से भी पतला कोई भी आके तुझे पकड़ के अपने दान साफ करके चला जाएगा। कैरी मिनाटी कारी में भी कैरी मिनाटी कैरी मिनाटी कैरी मिनाटी हर जगह भाई, इतने बार इसके चैनल में मैंने कैरी मिनाटी का नाम देखा है ना भाई, अपना फेस हटा के बंदा कैरी मिनाटी का लगाता है क्योंकि उसमें व्यूज है भाई। खुद तो बैठ के स्ट्रीम करते हैं सर, बाकियों को मना तेरा जल। ये वो बंदा है जो विकेट की दोनों तरफ कहता है, खुद कैरी के ऊपर वीडियो बना रहा है और कह रहा है तन्मय भट्ट कैरी के ऊपर वीडियोस बनाई थी। के कारण चलता है, एक चलता है इंसल्ट और दूसरा चलता है गाली। और अगर तुम इन दोनों में से कॉमेडी ढूंढ रहे हो तो तुम भी लोकल ट्रेन में भाई रिजर्वेशन का मजाक खोजने आए हो। देखो जब जब आर्टिस्ट फेमस होता है, यूट्यूबर फेमस होता है, या कोई भी आर्टिस्ट फेमस होता है ना सोशल मीडिया पे, वो लोग अपने अपने हॉबी लाने लगते हैं। जैसे किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई साला पॉडकास्ट बनाता है, लेकिन कैरी मिनाटी को रैपिंग करना था भाई। लाइक सीरियसली, पहले जैसे रैपरों को तुम रोस्ट कर रहे थे, अभी जाके तुम वैसा ही रैप करते हो मेरे भाई। भाई मारो मुझे मारो। नहीं भाई, मुझे तू बता के कौन सी यूनिवर्सिटी की बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज को रोस्ट करो तो आप उसके ऊपर कर नहीं सकते? तो भाई रोस्टिंग होती है आपने अपनी पब्लिक को एंटरटेन करना, बाद में आप वो चीज करो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट। तो रैपिंग में ही क्यों आया यार, रैपिंग तरह से नहीं होता कैरी। नहीं भाई तू मुझे बता, उसका जो दिल है वो करे, तू जो उससे क्या फर्क पड़ता है? रैपिंग वो उसका टैलेंट है, उसका दिल चाहता है। मैं समझ सकता हूँ यार तेरे अंदर नहीं है वो टैलेंट, सो प्लीज डोंट गेट जेलस। रैपर है जितना सलमान खान एक सिंगर है। भाई दोनों के फैंस बोल के थक गए भाई, तुम लोगों पे ये चीज नहीं जसता है, लेकिन फिर भी तुम लोग करते हो भाई, मतलब ये कोई रंडी खा रहा है तुमको। हमारे भाईजान ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी चीज बता दिया, अब तो भाई मैं अगले एग्जाम में पक्का एक्स्ट्रा टॉप करूंगा, यानी कि
वन के बाद जो भी पीछे जो भी नंबर रह गया ना वो मेरा पक्का इस्तीफा। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी चीज बता दी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अगर देखो कैरी मिनाटी का फैन अगर स्पॉट करना है ना तो तुमको देखो उन लोग का डीपी में तुम्हें कैरी मिनाटी ऐसे हुए रहेगा। कैरी ऐसे ही दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा? और एक तगड़ा स्टेटस में उन लोगों का ऐसा टाइप का स्टेटस मिलेगा। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। अगर ऐसा स्टेटस आप लोग उन लोग के स्टेटस में देख रहे हो तो वो लोग कैरी मिनाटी के जबड़े फैन हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भाई तू खुद रोस्टिंग कर रहा है और कह रहा है जाके पढ़ लिख लो, इस वक्त तेरी उम्र अपने देश को आगे ले जाने की, तो तू ज्यादा ध्यान दे। चल तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड घंटे पे क्लिक करो या ना करो, इट डजंट मैटर, बिकॉज मेरी वीडियो मुझे पता है आप लोगों ने फौरन देखनी, पर फिर भी देखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके टिल देन, बाय बाय, सी यू।